हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अपन ने आज बेल्ट कंप्लीट फ्लाई बनाना बताया है एकदम सिस्टमेटिक वे से। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इसके इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से बेल्ट फ्लाई बनाना आ जाएगा। इसलिए दोस्तों एंड तक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। न टाइम वेस्ट करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी ऑन कर लेना, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, जो अपनी बेल्ट वगैरह है अपन ने पेस्टिंग कर रखी है बेल्ट की, इसको आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले अपने को ये अंदर के साइड है, और देखिए दोस्तों नीचे का पैंट जो रहता है वो अपने को सीधा रखना है, और ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से अपने को उल्टा रखना है, ऊपर की तरफ बिछाना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने को सबसे पहले इसको नाप लेना है, एकदम बराबर आना चाहिए ये, एकदम छोटा मोटा ना हो। इधर बेल्ट पीछे की बेल्ट की तरफ थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलेगा, लेकिन आगे कम नहीं पड़ना चाहिए, उसके हिसाब से अपन देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से एकदम अपना लगभग बेल्ट बराबर है, तो इस इधर भी बराबर करके अपन चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम कॉर्नर पर सिलाएंगे, जो पेस्टिंग है अपना उसके हिसाब से बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप उक टिक लगा ले, उसके हिसाब से अपन उक रख देंगे। आपको जल्द ही में ये इस वीडियो को बताया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने को जहाँ जहाँ टिक लगा रखे हैं वहाँ पे अपने को उक भी रखना है, उसका खास ध्यान रखिए, एकदम सिस्टमेटिक सीधा रखे उसे, उक का खास ध्यान रखिए, अगर ये रह जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है दोस्तों, जहाँ अपने हिसाब से मैं लगभग सभी पेंट में 6 उक लगाता हूँ टोटल, ओके, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड। ठीक है दोस्तों, वो सिस्टमेटिक एक जैसा दिखता है, एकदम सिस्टमेटिक उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कंटिन्यू सिले चलने दें, और ये चेन जिप को खोले, अगर ये पैक हो जाएगी तो दिक्कत वाली बात है, इस जिप को खोले, उसके बाद ही अपन इधर नीचे तक सिले लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरह से बेल्ट प्लाई बनाना आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा को जो ऊपर बच रहा है उसे काट दें चेन की साइड, एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, उप वगैरह धागे वगैरह भी नहीं दिखने चाहिए, उसको भी निकाल दें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कंटिन्यू आप अंदर की तरफ बाहर की तरफ कहीं भी धागे दिखे उसे निकाल दें, जिससे अपनी सफ़ेद फिनिशिंग अच्छी तरह से आ सके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपनी फिनिशिंग सफ़ेद दिख रही है। कंटिन्यू आप आगे इसी प्रकार से इधर साइड भी बेल्ट अपने को लगाना है। तो दोस्तों, ऊपर की तरफ उल्टा और नीचे की तरफ सीधा होना चाहिए, उसके बाद जो अपना बाहर की पट्टी निकलेगी वो अपने 2.5 इंच निकलेगी। ठीक है दोस्तों, 2.5 इंच पर मार्क करें, और 2.5 इंच पे यहाँ पे अपने को बेल्ट को रखना है, 2.5 इंच मार्क वाला का। इसके बाद एकदम इक्वल होना चाहिए उधर से, एक्स्ट्रा ना जाए, एक्स्ट्रा अंदर कम भी ना रहे, उसके हिसाब से सिस्टमेटिक आप बेल्ट को रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे उक लगेगा, अभी ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उक लगना है अपने को, उक का खास ध्यान रखिए, उक कभी कभी रह जाता है, मैं भी स्टार्टिंग में बनाता था तो मेरे से रह जाता था, उसका खास ध्यान रखिए आप भी। ठीक है दोस्तों, मार्क करके ही आप उक को रखें, जिससे अपने को दिक्कत नहीं आएगी। मैं वीडियो को एकदम सिस्टमेटिक बताया है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सिस्टमेटिक एकदम सिस्टमेटिक समझ में आएगा। उक लगा दिया है अपन ने, ये लास्ट हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, ये अपने अच्छी तरह से उक फिक्स हो चुका है, एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह हो तो आप काट दें, और अच्छी तरह से आप देख लीजिए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देखने के बाद ही आप एक्स्ट्रा वगैरह कपड़े को, ये ऊपर का कपड़ा को काटें, एडवांस पहले से ना काटें, पहले से आप काट देंगे तो अंदर कम ज़्यादा कुछ हो गया हो तो दिक्कत आ सकती है, फिर कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखने के बाद अपने इसे काट देना है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अपने को जो अंदर का पॉकेट रहता है पेंट के अंदर का चोरजे वगैरह, उस चोरजे बोलते हैं हमारे इधर, तो वो अपने रेडी हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कंप्लीट जेब लगाना बताया है, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना जाके उधर, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अपन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन वी शेप भी निकाल सकते हो और एल भी रहने सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से अपन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये वी शेप अच्छा लगता है, इस कारण से मैं ये वी शेप बना रहा हूँ। लगभग वी शेप ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे, वो अच्छा भी लगता है, इस कारण से मैं वी शेप बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सिले रखें यहाँ पे,
ठीक है दोस्तों, ये जो अपना शर्ट का कपड़ा जो दिख रहा है इसके ऊपर से सिलाई ना रखें, इसके ऊपर से आएगी तो बाहर दिक्कत वाली बात आ सकती है, इसलिए कपड़े के नीचे से उसकी तरफ रखिए और एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देवे। ठीक है दोस्तों, एकदम सिस्टमेटिक अपना ये कंप्लीट हो चुका है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये निकालने के बाद इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम कंप्लीट हो चुका है, वीडियो हल्का सा रह गया था उस कारण से वो स्किप हो चुका है ज़रा सा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अपने ऊख रहते हैं कुछ आधा इंच मार्जिन पर नीचे करके इसको सिलाई लगाना है, एकदम हार्ड सिलाई लगाए, थोड़ी निकले ना, इस प्रकार से रिवर्स करके अपने हिसाब से लगा लेना है, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सलंग तीनों छठों ऊपर आप लगा ले इसको अच्छी तरह से, और धागा वगैरह निकले वहाँ अपने को धागा काट देना है, ये धागे को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ना दिखना चाहिए, अंदर के धागे को जो दिख रहे हैं उनको भी अपने को निकाल देना है, कैंची से काट देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उसके बाद आगे चलते हैं, तो अपने को यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगाना है इसकी, तो एकदम बराबर करके अपने को सिलाई स्टार्ट कर देना है, बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाना है। ठीक है दोस्तों, कोई कोई नीचे भी लगाता है लेकिन इस पर बेल्ट के ऊपर लगा रहे हैं अपन सिलाई, वही अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप नीचे का पॉकेट का खास ध्यान रखिए, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार से दोस्तों पॉकेट लगा हुआ है उसके हिसाब से अपना उसका खास ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने को उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो ऊपर की तरफ भी अपने को सिलाई लगाना है तो अपन लगा लेते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, ये लगाना है अपने को मोड़ के, हल्का सा ढीला होना चाहिए ये, ज़्यादा फिटिंग भी नहीं होना चाहिए, एकदम ढीला, मीडियम ढीला मतलब। ठीक है, रिवर्स करके अपने को आगे सिलाई ले जाना है इसकी, एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए ये, एकदम स्टेड होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा वगैरह ना हो इसका खास ध्यान रखें। इसके पास आके आप सिलाई रोक कर फिर आगे सिलाई बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, एकदम सिस्टमेटिक धीरे धीरे आप चलाए, बिलीपा बना रहे हैं तो एकदम कंटिन्यू। इस ऊप को भी इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, यह लाने के बाद आप रोक कर आराम से सिस्टमेटिक काम चलने दें आपका, एकदम ऊक लगाए आसानी से आपका ऊक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रिवर्स करके आइए, सिलाई को आगे बढ़ाएं ताकि वो मजबूत हो सके, इसी प्रकार से आप सिलाई कंटिन्यू चलने दें। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद ये एल से भी मैंने बताया अभी आपको, किसी प्रकार से आप उस प्रकार से आप लगा सकते हैं, और ये भी चलता है, ये ज़्यादा चलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप कंटिन्यू देखें, ये देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू हो चुका, कम्प्लीट हो चुका है, और जो अपनी इतनी सिलाई जो अपनी रह गई है, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये अपने को उक लगाने के लिए छोड़ी है अपन ने, उक लगाने के बाद अपन फ्री हो जाएंगे, ये यहाँ भी ये जेब के अंदर आ जाएगा, उक लगने के बाद अपने वहाँ सिलाई लगा देंगे कंप्लीट एकदम सिस्टमेटिक। उसके बाद अपने को लेफ्ट साइड का भी जो रहता है बेल्ट उसको भी इस प्रकार से लगाना है। ठीक है दोस्तों, अपना आधा पेंट बेल्ट तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इधर भी इसी प्रकार से अपने को बेल्ट को आधा इंच समथिंग नीचे से सिलाई लगाना है, और तीनों उप को इसी प्रकार से आपको सिलाई को लगा लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वह भी सीख सके जो टेलरिंग वगैरह का काम करते हैं। कंप्लीट आप एकदम बेस्ट सिस्टमेटिक मैंने आपको बेल्ट बनाना बताया है, आप अच्छी तरह से देखिए, आप भी सीखें और दोस्तों को भी सिखाएं। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है अपना एक सिलाई, उसके बाद अपन ने उक भी फिक्स कर लिए हैं, उक का वीडियो भी मैंने बताया है, उसमें आप देख जाके देख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये उक नॉर्मल जो बहुत आसान है लगाना है, तो उसके बाद टेढ़ा करके अपन मार्क लगा के एकदम कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ये दोस्तों, ये एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह रह रहा है बाहर दिख रहा है, इसको काट देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से धागे वगैरह ना दिखे कहीं से भी, और सीधा कर लेना है इसको सिस्टमेटिक वे से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको सीधा कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपने को ये अपना रेडी हो चुका है। उसके बाद अंदर वगैरह का धागा वगैरह हो उसे भी तोड़ लेना है ताकि वगैरह अपना सल वगैरह ना दिखे कहीं से कहीं तक। इस प्रकार से आप कंटिन्यू वॉचिंग करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने सिलाई जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करें वो,
ताकि अपना उधर दिक्कत ना आए सिलेंडर वगैरह लगाने में। यहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है आप भी यहीं से स्टार्ट करें ताकि अपना सिस्टमेटिक बेल्ट वगैरह लग सके। ये दोस्तों इस प्रकार से, उसके बाद ये अपना इधर की सिलाई आप कोशिश करें नीचे उल्टा करके भी लगा सकते हैं ताकि वगैरह अपने को दिक्कत ना आए। मैं सीधा करके लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी, एकदम सिस्टमेटिक जूम वगैरह कर लेते हैं, आपको सिस्टमेटिक दिखेगा। इस प्रकार से आप कॉर्नर पर सिलाई लगाएं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एकदम कॉर्नर पर सिलाई लगाए, हल्का सा दूर लेके भी चला सकते हैं ताकि नीचे की वो बेल्ट को भी फिक्स हो सके। आराम से लगाएं यहाँ पे ऊके नीचे, तो उसके हिसाब से अपने को देखकर सिले चलाना है। आराम से चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद धागे वगैरह दिख रहे हैं ये काट देते हैं। उसके बाद आगे ये बेल्ट अपने को लगाना है उक, इसको भी लगा लें हल्का सा लगे। अपने पिछली बार अपन ने उक लगाया उसी प्रकार से आप इसको भी फिक्स करें। मैंने सिस्टमेटिक आपके लिए वीडियो बनाया है, इससे अच्छा और वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये दोस्तों उक को इसी प्रकार से हल्का सा ढीला रखना है। आपको बताइए, अभी मैंने बता दिया है सिस्टमेटिक, ठीक है दोस्तों। बहुत टाइम लगा है इस वीडियो में बनाने में, और आप अच्छी तरह से देख लीजिए, वॉचिंग करिए, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इस उक को भी इसी प्रकार से फिक्स करना है अपने को, और आगे चलते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों, कंटिन्यू एकदम ये अपना बेल्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है, एकदम बेल्ट कंप्लीट होने ही वाला है, बस हो ही चुका है, यूँ समझिए आप। ये देखिए दोस्तों, और एक्स्ट्रा अंदर जो कपड़ा रहता है जो उक का, उसे काट देना है अपने को इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। एक्स्ट्रा लगभग बचता ही है, वो एक्स्ट्रा ही बनाता हूँ मैं तो, बचना ज़रूरी हो, कम पड़ जाता दिक्कत वाली बात आती है इसलिए मैं, ठीक है। अपना उक लग चुका है, अब यहाँ की सिलाई अपनी बाकी थी तो सिलाई अब अपन लगा लेंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैं आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आप सिलाई लगाएं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इस पॉकेट का ध्यान रखें, पॉकेट के ऊपर सिलाई ना आए ताकि ना कि बंद नहीं हो जाए वो, उसका खास ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए, एकदम कॉर्नर पर सिलाई लेके आए, ज़्यादा अंदर भी नहीं जानी चाहिए, हल्का सा होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। धागे वगैरह एक्स्ट्रा कहीं दिखते हो उसे काट दें। उसके बाद अपनी आप भी की कंप्लीट हो चुकी है सिलाई अपनी, ये देख लीजिए दोस्तों, धागे वगैरह। उसके बाद आप देख लीजिए अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से आप एंड टू एंड धागे कहीं भी दिखे तो उसे काट देना है, तो फिनिशिंग अपनी बेस्ट और क्वालिटी आएगी, ठीक है दोस्तों। अपनी लगभग फ्लाई बेल्ट फ्लाई कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, लेकिन आपको अगर समझ में आया है तो लॉन्ग वाली कोई बात नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।